बच्चों, आज मैं आपको डायमेंशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब तक आपने सीखा यूनिट किसे कहेंगे, आपने सीखा एसआई यूनिट क्या होता है, आपने सीखा एसआई प्रीफिक्सेस क्या होता है, आपने सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहेंगे। लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ओके, डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं, डायमेंशन को हिंदी में बीमा कहते हैं। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सब साथ में बताया था मैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसके रूप में जब एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर कुछ पावर आ जाता है। वो जो पावर आता है वही कहलाता है डायमेंशन। किसके रूप में, तो जिस पर पावर आता है, जैसे लेंथ पर पावर आया तो लेंथ के रूप में, टाइम पर पावर आया तो टाइम के रूप में, जिस पर पावर आएगा उसके रूप में। अभी मैं लिखता हूं फिर मैं समझाऊंगा। ओके, व्हेन अ फिजिकल quantity expressed in terms of fundamental quantity, then some powers are appear over the exponent. Exponent को हिंदी में कहते हैं घटक, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जैसे लेंथ हुआ, लेंथ को हम लोग एल से दिखाते हैं, मैं भी समझाऊंगा। मास, टाइम और भी ये सब चीजें होता है, लेंथ, मास, टाइम और ये सब चीज। तो इस पर जो पावर आता है वो पावर डायमेंशन है। मैंने लिखाया कि सम पावर्स आर एपियर ओवर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब ये सब चीज, एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, दीज पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यहां देखिए, यहां पर मैंने डैट फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल किया है, वह फिजिकल क्वांटिटी। ये किसके लिए मैंने इस्तेमाल किया डैट फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान समझिए। तो वे नहीं फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं फंडामेंटल। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, यानी ये फिजिकल क्वांटिटी इसको जिसको एक्सप्रेस कर रहा हूं उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां पर देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी इस्तेमाल, यानी ये जो ऊपर वाला था फिजिकल क्वांटिटी वो जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, और जिस फंडामेंटल रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो फंडामेंटल यहां पर है क्वांटिटी। इसका मैं कुछ दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ए टेबल सो बिलो, एक नीचे हम टेबल दिखा रहे हैं, इस तरह बना के दिखा रहे हैं, सोन बिलो। देखिए जैसे
फंडामेंटल फिजिकल शॉर्ट में वाटर। उसका SI यूनिट और यहां पर डायमेंशनल सिंबल, डायमेंशनल ऐसा यूनिट को हम यहां सिंबल लिख रहे हैं। देखिए बॉक्स, जैसे हमारा है लेंथ पहला, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, छोटका है, ये लिख देता हूं मैं प्रोडक्टिव सिंबल का है मीटर। इसको हम लोग ध्यान दीजिएगा लेंथ का डायमेंशनल सिंबल कटर है, यानी ये जो एल देख रहे हैं हम यहां का एल लिख रहे हैं, ये एल लेंथ के लिए ये हमारा एक्सपोनेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का एक्सपोनेंट है पाया। दूसरा मास, मास क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम जो मास का है यहां पर कैपिटल है, यानी मास का जो एक्सपोनेंट है वो कैपिटल है। टाइम, टाइम का सेकेंड, इसका एक्सपोनेंट है कैपिटल टी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको हम लोग यूनिट तो जानते हैं एम्पियर, और इसका जो एक्सपोनेंट है ए या आर, किताब में बुक में ए और आर दोनों इस्तेमाल करता है, मैं प्राय इस्तेमाल करूंगा लेकिन आप ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है हमारा थर्मो डायनामिक टेम्परेचर, इसका केल्विन कैसे लिखते हैं कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका मोल ऑफ टाइम है और इसका एम ही चल रहा है, और साथ में हमारा और आखिरी लूमिनस इंटेंसिटी, इसका कैंडेला जैसे हम सीढ़ी गाड़े करते हैं। ध्यान दीजिए मैंने अभी जो कहा कि वेट ए फिजिकल क्वांटिटी, जब किसी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करते हैं प्रकट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में, यानी इस लेंथ मास टाइम इस सब के रूप में, इस सब में जो एक दो तीन जो इनवॉल्व उसके रूप में, तो सम पावर्स आर अपीयर ओवर द एक्सपोनेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट पर कुछ पावर आता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सपोनेंट ये से हुआ, इस पर कुछ पावर है, दीज पावर, वो जो पावर है वो कहलाता है डायमेंशन। ध्यान रखिएगा डायमेंशन किसे कहते हैं, तो पावर को जो पावर आता है ऑफ डेप्थ फिल क्वांटिटी, किस क्वांटिटी का जिसको एक्सप्रेस कर रहे थे, किसके रूप में, तो जिस फंडामेंटल पर पावर आया उसके रूप में, यानी जिस पर पावर आया उसके रूप में। एक टेबल सुन लो, टेबल यहां दिखा रहे, अभी आप टेबल देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं, तब आपको बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैंने बोर्ड साफ कर लिया है, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं ताकि समझाने में सुविधाजनक हो, आप बात को अच्छे से समझ सके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, संवेग क्या होता है, इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बिना जाने आप यूनिट और डायमेंशन नहीं लिख सकते। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी,
दरमान गुना वेग, दरमान गुना वेग, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मास का किलोग्राम, मास नहीं, मास का क्या होगा? किलोग्राम यानी केजी और इनटू अभी वेलोसिटी का हमने यूनिट लिखा था अभी, इससे पहले वाला जो स्क्रीनशॉट आपने लिया देखिए उसमें वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इनटू का चीज डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो? किलोग्राम यानी मास, किलोग्राम यानी मास, मास का एक्सपोनेंट क्या है एम, और मीटर यानी लेंथ क्या क्या है एल, और सेकेंड यानी टाइम का क्या है टी, और माइनस वन है। ऐसे भी मास का एम वेलोसिटी हम लिखा चुके थे एल टी माइनस वन, मास का एम वेलोसिटी का भी निकाल लेते पहले एल टी माइनस वन, वहां से भी इसको देखकर भी लिख सकते हैं केजी केजी किलोग्राम मास का एम क्या इनटू मास ए मीटर, मीटर किसका लेंथ का क्या एल, एल एस सेकेंड, सेकेंड किसका, सेकेंड किसका टाइम, टाइम क्या टी, टी माइनस मोमेंट, समझ रहे हैं? यानी मोमेंटम है, मोमेंटम है डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास, के मास कॉमा लेंथ, डायमेंशन वन कॉमा वन एंड माइनस वन इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली, कॉकरी क्रमशः मोमेंटम हैज डायमेंशन वन वन माइनस वन, वन इसके लिए मास के लिए, ए वन लेंथ के लिए और माइनस वन टाइम के लिए, इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली क्रमशः। देख रहे हैं हम फॉर्मूला जान रहे हैं तो आराम से यूनिट भी लिख रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, डायमेंशन भी जान रहे हैं। इसी प्रकार देखिए एक्सेलरेशन, त्वरण, ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल आई एन टी ई आर वी ए एल, ध्यान दीजिए चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे क्या हो जाएगा वेलोसिटी, टाइम इंटरवल मतलब टाइम, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या होता है, मैंने गुजर पहले लिखा था वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, अब टाइम पर टाइम सेकंड, यानी मीटर ये ऊपर चला जाएगा पावर वन पर जाएगा माइनस वन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिखिए ये ऐसे लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर कैसे लगा ये माइनस प्लस पर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ रहे हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख रहे हैं डायमेंशन क्या होता है? मीटर यानी लेंथ, मीटर यानी लेंथ, लेंथ क्या होता है? सेकेंड यानी, सेकेंड यानी टाइम टी माइनस टू यानी एल टी माइनस टू, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ के रूप में एक और टाइम के रूप में माइनस टू है, समझ में आ रहा है? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आई हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भी और एंजॉय करिए, थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा आराम से समझ में आएगा, ओके आराम से देखिए, आज यहीं तक बस, आज थोड़ा लेट आवर में है तो आज यहीं तक रखते हैं।
ओके।